गया हूँ मैं कल, इतना जुल्म उठाते हैं ना ये मेरे ऊपर। अभी इसको बार बार उठा उठा के देखेंगे तो वो कहाँ से रेस्ट करेगा, थोड़ी देर उसको रहने दो। और आज ना इनको ही मैं काम पे लगाऊंगी तलने की। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच के लिए प्रिपरेशन, जिसके लिए मैंने बिना छिलके वाली मूंग और मसूर की दाल ली है। आज मैं यही बना रही हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी पानी, थोड़ा सा नमक, हल्दी और एक चम्मच मैं इसमें घी भी डालूँगी। इन सबको डाल करके मैं इसे बॉयल करने के लिए रख दूँगी। और हाँ, मुझे आलू का भरता भी बनाना है तो मैं दाल में ही आलू ऐड कर दूँगी बिना छीले। और वैसे उसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने और इसमें ऐड कर दिया ताकि दोनों एक साथ अच्छे से उबल जाए। तो दाल रख दिया मैंने उबालने के लिए और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ पानी पीने। पहले किचन में बैठता तो हमेशा खाना बनाते बनाते कई बार प्यास लग गई या थक गए तो बैठ जाते थे वहां पे। आजकल वो प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। और ना बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं मेरा वो जो वीडियो है न्यूबॉर्न बेबी एसेंशियल वाला, तो उसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, सारे अनअवेलेबल। तो देखिए, लॉकडाउन की वजह से अभी आपको कोई भी प्रोडक्ट शायद ही मिलेगा। वैसे अमेजोन ने अपनी सर्विसेज तो स्टार्ट कर ही दी है, काफी जगह पे स्टार्ट कर दी है, कहीं कहीं पे वो नहीं दे रहे, बट कहीं पे जैसे मेरे यहाँ पे आ रहा है। आज ही मैंने मंगवाया था वो अनव के लिए, मैंने उसका बॉडी वॉश मंगाया था तो वो आज पहुंचा, थोड़ा डिले हो रहा है बट आ रहा है कहीं कहीं पे। बाकी अगर आपके एरिया में अभी नहीं है तो आप वेट कर लीजिए कुछ दिन, कुछ दिन बाद वहां पे भी शुरू हो जाएंगे। देखिए, अब सेफ्टी रखना तो अपने हाथ में है ना, जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। और कई लेडीज अभी, मतलब जिनकी अभी डिलीवरी होने वाली है, वो बहुत परेशान हो जा रही है, फिर वो कमेंट कर रही है ना, तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि काश मैं अगर उनके पास होती तो मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाती, तो ये चीज पॉसिबल है नहीं। एक ने कमेंट किया था, एक लेडी ने, उनका शायद 9th month स्टार्ट हो चुका है और वो कह रही थी, बहुत दुखी होकर कह रही थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा है अभी और उन्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो देखिए, अब क्या कर सकते हैं, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, बस ये है कि आप पेशेंस रखिए। और आप लोगों से बात करते करते दाल भी उबल चुकी है तो इसे मैं खाली कर लूँगी एक दूसरे छोटे बर्तन में और आलूओं को मैं निकाल कर छील लूँगी क्योंकि आलूओं का भरता भी बनाना है। तो ये देखिए, आलू अच्छे से उबल चुके हैं, दाल भी मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसी कुकर को धोकर इसमें मैं चावल चढ़ा रही हूँ। किचन वाले विंडो के पास और इतनी अच्छी हवा आ रही है ना बीच बीच में। पहले ये विंडो ना हमेशा बंद रहता था तो मतलब लगता ही नहीं था कि इस रूम में विंडो है भी, कभी कभी खुलता था। और जब से अभी इसे साफ किया ना, इतनी अच्छी लाइट भी आती है और हवा भी बीच बीच में आती रहती है तो अच्छा लगता है। तो अभी लंच वगैरह का प्रिपेरेशन करके ना आज मैं सोच रही हूँ कुछ नमकीन बनाऊंगी। जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर से तो वैसे भी कुछ लाना होता नहीं है, कई बार पहले ये मटर वगैरह ले आते थे तो चाय के साथ, कई बार ऐसे भी दिन में कुछ चरने को मन कर जाता था तो चलो निकाला एक दो पीस खा लिया। तो अभी कुछ भी नहीं रहता है, बिस्किट वगैरह भी हम लोग ज्यादा खाते नहीं है तो लाते भी नहीं है घर पे उतने, कभी कभार रस्क ले आते हैं तो ले आते हैं, नहीं तो वो भी नहीं। और तब मैंने सोचा कि आज नमक पारे जो होते हैं ना, जिसको यहाँ पे मटर बोलते हैं और हमारे वहां पे निमकी बोलते हैं, आप लोगों के वहां पे क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो वो बनाऊंगी आज मैं। और बहुत अच्छा लगता है घर का बना हुआ ना कोई भी चीज, फ्राइड हो चाहे जैसा भी हो, टेस्ट भी अच्छा लगता है और उसको खा के ना कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे पहली बात, अगर आप लिमिट में खाते हैं तो, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ। फिलहाल मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। आलू जो है वो ठंडे हो चुके हैं तो मैं इसको छील लूंगी अभी और उसके बाद मैं बनाऊंगी इसका भरता, जिसके लिए मैंने छोटे से पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम किया, उसमें मैंने मिर्च ऐड की है हरी वाली, इसमें लाल मिर्च नहीं ऐड करते हैं। और उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया बारीक कटा हुआ, इन दोनों को अच्छे से भून लूंगी। उसके बाद मैं इसमें आलू मैश करके ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी स्वाद अनुसार, और कुछ भी नहीं, इसमें कोई मसाला किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको आपको अच्छे से भूनना है जब तक कि आलू का जो कलर है वो थोड़ा ब्राउनिश कलर का, गोल्डन ब्राउनिश कलर का ना हो जाए। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, मतलब बिहार, यूपी, कोलकाता वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, दाल भात और आलू का चोखा। तो भरता बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं दाल को तड़का दे रही हूँ। मैं खर्ची से ही तड़का दे दी इसको, मैंने प्याज टमाटर वगैरह नहीं फ्राई किया है, इसको यहाँ पे धूपनी भी कहते हैं शायद। तो ये हमारा लंच तैयार है, आप सब भी कर लीजिए। और इसमें जो करेले की सब्ज़ी है ये कल रात वाली बची हुई है, तो मैं कर लेती हूँ लंच, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखो इस बंदरू को कैसे देख रहा है ये।
तब से चिल्ला चिल्ला के घर को अपने सर पे उठा रखा है इसने, बेमतलब का चिल्ला रहा है बस ऐसे ही। अभी देखो गोद में है ना, घूम रहा है तो चुप हो गया, देख रहा है कैमरे में अच्छे से भी कौन दिख रहे हैं। और ये है इवनिंग का क्लिप, जो दिन के बर्तन थे उनको मैं सेट कर रही थी, तो ये सॉस पैन का हैंडल जो है वो ढीला हो गया था, उसको मैं टाइट कर रही थी, स्क्रू वाले होते तो वो ढीले हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी चीज़ बनाने से पहले मुझे प्लेटफॉर्म खाली होता है तो वो कर लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने मैदा और आटा बराबर हिस्से में ले लिया है नमक पारे बनाने के लिए, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, और काली मिर्च का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे इसमें, और हेल्दी भी है काली मिर्च खाना, तो मैंने डाल दिया थोड़ा सा, और अजवाइन ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 चम्मच ऑयल। अगर आपको खस्ता वाला नमक पारा पसंद है तो आप घी ऐड कीजिएगा, और अगर आपको क्रिस्पी वाला पसंद है तो आप ऑयल ऐड कीजिएगा। और ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखिए आटा जो है वो बाइंड होना शुरू हो चुका है, तो इस तरीके से बाइंड होना चाहिए तभी आपका जो नमक पारा है वो क्रिस्पी होगा। और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सख्त सा डो लगाऊंगी। डो जो है वो हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आटे में ऑयल लगा के उसे हम 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो आटा मैंने लगा दिया है और अभी मैं उसको 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से रेस्ट कर ले, क्योंकि ना कोई भी चीज आटा गूंद के तुरंत बनाने से उतना अच्छा बनता नहीं है। तो अभी मैंने उसको रख दिया थोड़ी देर, और टाइम हो रहा है अभी 5:15 बज चुके हैं, तो देखती हूँ कितना टाइम लगता है इनको बनाने में, और उसके बाद फिर डिनर का भी प्रिपेरेशन करना। डिनर में तो बस सिंपल रोटी बनाऊंगी और दूध रोटी खाएंगे आज तो, क्योंकि मन नहीं करेगा कुछ भी बनाने का, ये सब फ्राई की हुई चीजें बनाओ ना। तो ये देखो हुआ नहीं आटा, सुन रहे हैं इनकी बातें, हुआ नहीं ये आटा। अभी मैं बता रही हूँ कि 10-15 मिनट इसको रखना है, और इनको अभी जल्दी लग गई है, इनको एक्चुअली बहुत पसंद है ना। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, मैं तो वो मशीन देख लूं, इतना जुल्म ढाते हैं ना ये मेरे ऊपर। अब इसको बार बार उठा उठा के देखेंगे तो वो कहाँ से रेस्ट करेगा, थोड़ी देर उसको रहने दो। और आज ना इनको ही मैं काम पे लगाऊंगी तलने की, क्योंकि ये चीजें एक तो बनाओ और उसके बाद तलना होता है ना, तो वो सिर का मतलब दर्द होता है, इनको ही बोलूंगी मैं तलने के लिए, तैयार है ना। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे 10-15 मिनट बाद। और ये देखिए यहाँ पे ये जनाब अपने ही काम में बिजी है, कभी ब्लैंकेट को उठा रहे हैं उसे अपने मुंह पे ढक रहे हैं, कभी अपनी कोई सामान दिख जा रही है तो उसके पीछे भाग रहे हैं। और ये पता नहीं कहाँ से इनको आ गया है ना, ब्लैंकेट उठाएंगे अपनी मुंह पे ढक लेंगे, उसके बाद जैसे ही हम लोग खींचते वापस से ढक लेना है ना, और उसके बाद पाँव चलाना शुरू। मुझे समझ नहीं आता इसे कितना मज़ा आता है ये सब करने में। ये देखो अब अपना इसका डक दिख गया ना, अब ये उसके पीछे भागेंगे कि मुझे वो पकड़ना, और नहीं पकड़ में आती है तो गुस्सा भी करते हैं उसके ऊपर। तो 10 मिनट हो चुके थे और आटा जो है वो सेट हो गया, इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद मैं एक बड़ा सा पीस लेकर उसको बेल रही हूँ, और इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, और बड़ा सा बेलिएगा ताकि एक बार में ज़्यादा क्वान्टिटी में निकल के आए। और बेलने के बाद हम इसे डायगोनल्स में कट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे दीजिए इसे, और उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये चिपक जाते हैं तो कोई बात नहीं, तेल में जाने के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर पति देव जी लगे हैं फ्राई करने के लिए, एज ही टोल्ड मी अर्लियर कि वो खुद फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए और लो फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए ये फ्राई होने शुरू हो चुके हैं, और जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए तब तक आपको इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है। और ये देखिए थोड़ा सा ये और गोल्डन होगा, हाँ इतना, और उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। तो बस इसी तरीके से मैं थोड़े से और बेल लूँगी और उसको भी फ्राई कर लूँगी, और
इस बार मैं पापड़ी के लिए बेली हूँ, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से मैंने कुल्फ़ी मेकर ले लिया और उससे कट कर रही हूँ। आप चाहे तो ढक्कन ले ले बॉटल का, बड़ा सा इसका थोड़ा, या कोई छोटी सी ग्लास ले ले और उससे कट कर लीजिए। इसका मैं पापड़ी बनाऊँगी क्योंकि कल हम बनाने वाले हैं पापड़ी चाट। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला आटा है इसको मैं निकाल कर नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लूँगी। और पापड़ी चाट बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ है वो है छुरी से कट लगाना सारे पापड़ी में, ये देखिए इस तरीके से, वरना ये पापड़ी जो है वो फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। और तलने का प्रोसेस इसका बिल्कुल सेम है, लो फ्लेम पे आपको तलना है, ऑयल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। और ये देखिए 5 से 7 मिनट में पापड़ी भी बनकर तैयार है। तो दोनों चीज़ें बनकर हो गई तैयार। वहाँ पे है और ये है और ये है। ये सारा मैंने तल दिया है, अब मेरे को कुछ बोलना नहीं है। अच्छा, तो मैं और क्या बोलूंगी, गैस बंद कर दो, बस गैस चल रहा है। थैंक यू सो मच। तो ये सारा बन चुका है और बहुत ज्यादा नहीं है, इनको फैला कर रखा है इसलिए ज्यादा लग रहा है। ये तो थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा हेल्प करते हैं ना, तो ऐसे ही बोलते हैं मेरे को। तो ठीक है, अभी मैं इनको ठंडा होने दूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गरम गरम हम इनको नहीं रख सकते, इसलिए मैंने इनको फैला कर रखा है। और ये वाला अभी लास्ट वाला बैच है, तो इसको, ये अभी गरम है, इसको भी मैं फैला दूंगी। और खाने में इतना क्रिस्पी है ना ये, मैं आपको आवाज सुनाती हूँ कि अब तक आपको सुनाई देगा या नहीं। मैं आपको आवाज सुनाती हूँ इसकी, पता नहीं कैमरा में आवाज कैप्चर हो रहा है या नहीं, बट बहुत क्रिस्पी बना है। तो ठीक है, इसको पहले मैं ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको डब्बे में एडजस्ट करूंगी। डब्बा मैंने यहाँ धो करके रख दिया है, एयर टाइट है ये, ताकि इसमें ये नरम ना हो। एयर टाइट डब्बा चाहिए होता है इन चीजों के लिए, और काफी दिन चल जाएगा ये। तो अब ये ठंडा हो गया, तो इसे मैंने डब्बे में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद मैंने डिनर बनाया, तो हम सब ने डिनर किया। तो हमारा डिनर हो चुका है और फाइनली अभी टाइम हो रहा है 9:15 बज रहे हैं। आज थोड़ा जल्दी हो गया डिनर, क्योंकि जो दाल बची हुई थी वही खाई हमने, रोटी बनाई थी सिर्फ। प्यानस का बॉटल उबल रहा है और दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। अभी उसके लिए डालूंगी साबुदाना भिगोने के लिए, और उसकी आवाज़ें आ रही है पीछे से, वो चिल्ला रहा है। और अभी अभी उसकी तेल मालिश हुई है ना, तो फिर उसको ज्यादा ही एनर्जी आ जाता है चिल्लाने का भी और खेलने का भी। तो ठीक है, आज का ब्लॉग जो है वो, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और मेरे चैनल पे अगर नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा।